नमस्कार, मैं उप्रिया। आज 14 नवंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार बिहार समेत पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 5 दिवसीय दिवाली पर्व के उत्सव के दूसरे दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाया गया। छोटी दिवाली का उल्लास पूरे देश में देखने को मिला। दिवाली का दिन खुशी और उल्लास का होता है। दिवाली के दिन यानी कि आज के दिन लोग अपने अपने घरों में दिए जलाते हैं और आतिशबाजी का भी आनंद लेते हैं। हालांकि इस बार प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश में कई जगह आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है। दिवाली के दिन लोग अपने अपने घरों में रंगोली बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी लोगों के घर में आती है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम आज ही के दिन लंका से माता सीता के साथ अयोध्या आए थे, जिसकी खुशी में यह दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। 10वीं पास अब आसानी से कर सकते हैं बिना परीक्षा और इंटरव्यू के नौकरी के लिए आवेदन। भारतीय डाक विभाग के तहत झारखंड पोस्टल सर्कल और पंजाब पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवकों के 1634 भर्तियां निकाली गई हैं। झारखंड पोस्टल सर्कल में 1118 वैकेंसी और पंजाब पोस्टल सर्कल में 516 वैकेंसी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 11 दिसंबर 2020 तय की गई है। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इन पदों पर कोई लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है, जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट 10वीं में प्राप्तांकों के आधार पर ही बनाई जाएगी। आज है बाल दिवस। देश में प्रत्येक साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में बच्चों को भगवान के रूप में माना जाता है। पंडित नेहरू को बच्चों से बेहद लगाव था। सब लोग प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। छात्रों की शिक्षा और बेहतर जीवन के लिए नेहरू जी हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। साल 1964 से 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू कहा करते थे कि आज के युवा कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह से हम उन्हें लाएंगे, उससे देश का भविष्य निर्धारित होगा। बिहार के मधुबनी जिले के सौराठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मधुबनी का सौराठ जगह दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक है सोमनाथ मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग गुजरात के सोमनाथ से लाई गई है। सौराठ का नाम भी गुजरात के सौराष्ट्र से मिलता जुलता है। सोमनाथ से शिवलिंग लाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम सौराठ पड़ा, जो सौराष्ट्र का ही अपभ्रंश है। दूसरी है प्रसिद्ध सौराठ सभा में शादी के लिए इच्छुक वरवधु के परिजन जुटते हैं। आषाढ़ में लगने वाले इस सभा में प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों ब्राह्मण पहुंचते थे। इसमें वैवाहिक संबंध तय होते थे, बिना किसी तामझाम और दहेज के शादी होती थी। इस सभा की शुरुआत तत्कालीन राजा हरसिंह देव ने लगभग 700 साल पहले 1310 में किया था। हालांकि यह सभा पहले की तरह नहीं रही, परंतु अब भी इस प्रथा को वहां के लोगों द्वारा जिंदा रखा गया है। दिवाली और छठ पूजा पर बिहार में तय समय सीमा के अनुसार ही सुनाई देगी पटाखों की शोर। बिहार में इस बार दिवाली, छठ और न्यू ईयर पर पटाखों के शोर तय समय सीमा में ही सुनाई देगी। राज्य भर में केवल हरित पटाखे ही बनेंगे और बिकेंगे। पटाखे चलाने के लिए भी तय समय सीमा होगी। इसके साथ ही पटना, गया और मुजफ्फरपुर में किसी भी तरह के पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह रोक 1 दिसंबर तक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के क्रम में ऐसा किया गया है, जिसके बाद अब दिवाली और गुरुपर्व पर केवल मान्य पटाखों का उपयोग रात 8 से 10 बजे के बीच किया जा सकता है। वहीं छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक ही पटाखे जलाए जाएंगे। क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर रात्रि 11:55 से लेकर के 12:30, यानी सिर्फ 35 मिनट तक ही पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर में 1 दिसंबर तक पूरी तरह रोक लगाने के साथ ही पूरे बिहार में 125 डेसिबल से कम आवाज वाले पटाखे ही चल सकेंगे। बिहार में कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 581 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,26,081 पर पहुंच गई है। अगर हम सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 179 मामले सामने आए हैं, वहीं मधुबनी और मुजफ्फरपुर में 31 मामले सामने आए हैं। CSBC बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में इंटरमीडिएट लेवल का होगा सिलेबस। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल चयन परिषद ने बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 8,415 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बिहार पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों से बीते दिन से आवेदन की मांग की गई है, जिसकी अंतिम तारीख 14 दिसंबर है। CSBC के इस भर्ती में योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षण में योग्य पाए जाने पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 के स्तर की होगी, जिसमें बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा के स्तर की विस्तृत पाठ्य सामग्री से प्रश्न पूछे जाएंगे।
आज मौसम साफ रहने का लगाया गया अनुमान। आज देश के हर कोने में दिवाली के त्योहार को मनाया जाएगा। वहीं आज मौसम भी आपका साथ देने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज त्योहार के दिन सूबे का मौसम साफ और शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार पटेल की माने तो हवा में नमी होने की वजह से यह थोड़ी गर्म होती है। पूर्वी हवा की वजह से प्रदूषक हवा से ऊपर उठकर वायुमंडल के निचले स्तर पर जमा हो जाते हैं। इससे धुंध की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि पिछले 2-3 दिनों में आसमान में धुंध की स्थिति देखी जा रही है। रामसर साइट्स की लिस्ट में बेगूसराय की कांवर झील हुई शामिल। बेगूसराय की कांवर झील को बिहार का पहला रामसर साइट के रूप में विकसित किया गया है। यह देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही बेगूसराय की कांवर झील का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है। इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क के स्टेट कोऑर्डिनेटर अरविंद मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि इसके लिए काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था। रामसर अथॉरिटी तय करती है कि कौन सा वेटलैंड्स इसमें शामिल किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 1972 में तेहरान के रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। एम्स पटना में 16 नवंबर से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का परीक्षण। देश में कोरोना को मात देने के लिए कई वैज्ञानिक दिन रात प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी है। इसी क्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में कोरोना की नई वैक्सीन के परीक्षण की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद पहला डोज 16 नवंबर को दिया जाएगा। आईसीएमआर और भारत बायोटेक द्वारा तैयार वैक्सीन के मानव परीक्षण के 2 चरण की समाप्ति के बाद नए वैक्सीन के लिए यह तैयारी चल रही है। ई बायोलॉजिकल की तरफ से तैयार कोविड-19 के वैक्सीन के परीक्षण का पहला डोज 16 नवंबर से पटना एम्स में शुरू होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल की। जॉर्ज ऑरवेल का नाम शायद आप सब में से किसी ने नहीं सुना होगा, मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जॉर्ज ऑरवेल एक पत्रकार थे जिनका जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में 25 जून 1903 को हुआ था। जॉर्ज एक पत्रकार के अलावा एक लेखक, निबंधकार और एक समीक्षक थे। ऑरवेल का पूरा नाम एरिक ऑर्थर ब्लेयर था, मगर जॉर्ज के पैदा होने के महज 1 साल बाद ही जॉर्ज की माँ उन्हें लंदन लेकर चली गई थी, जहां उनका पालन पोषण किया गया था। हालांकि जॉर्ज कभी बिहार तो नहीं आए, मगर उनके जीवन के अहम पन्नों में बिहार का नाम दर्ज हो गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के कई अफसरों की प्रतिनियुक्ति। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही कोरोना के रोकथाम को लेकर प्रतिनियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अफसरों को मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा ही बिहार प्रशासनिक सेवा के आधा दर्जन अफसरों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अफसरों को मुक्त कर दिया गया है, जो कोविड-19 के रोकथाम को लेकर प्रतिनियुक्त किए गए थे। इन अफसरों की सूची में कई एडीएम और सीनियर डिप्टी कलेक्टर शामिल है, जो अब वापस अपने ड्यूटी पर लौट जाएंगे। कोविड-19 के माहौल में इन्हें पटना, गया, भागलपुर और अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रतिनियुक्त किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव में नोटा ने निभाई निर्णायक भूमिका। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नोटा का बोलबाला देखने को मिला। बिहार, कोसी और सीमांचल में तो नोटा का प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिला। इतना ही नहीं, इस विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें भी देखने को मिली जहां आमने सामने हुए दो प्रमुख प्रतिद्वंदी के बीच हार जीत का अंतर नोटा से भी कम देखने को मिला। जमुई, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया में 25 सीटों पर नोटा को कुल 71,162 वोट मिले हैं। वहीं कोसी की 13 सीटों पर 39,314 वोटरों की पसंद नोटा ही रही। बात सीमांचल की करें तो 76,899 लोगों ने नोटा के साथ ही जाना उचित समझा। बिहार विधानसभा चुनाव में 60% महिलाओं ने किया वोट। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। साझा की गई जानकारी के अनुसार इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में 59.69% महिलाओं ने वोट डाला है। हालांकि इसके बावजूद महिलाओं के खाते में विधानसभा की कुल 243 में से सिर्फ 10.6% सीट यानी कि 26 सीटें ही आई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कुल मिलाकर 3,733 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इनमें से 370 महिलाएं थी। पहले चरण में 114, दूसरे चरण में 146 एवं तीसरे चरण में 110 महिलाओं ने अपनी किस्मत आजमाई थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में 14 नवंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। 1942 में भारतीय साहित्यकार इंदिरा रायसम गोस्वामी का जन्म हुआ। 1955 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का उद्घाटन किया गया था। 1957 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस की आधिकारिक घोषणा की गई थी।
इस्लामपुर से दिल्ली और सीतामढ़ी से आनंद विहार को चलाई जाएंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें। रेलवे बोर्ड ने दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए इस्लामपुर, नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल सीतामढ़ी के बीच दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पूर्व मध्य रेलवे के स्टेशनों से होकर गुजरते हुए गुवाहाटी से मरवाडीह, सिलचर से कानपुर, डिब्रूगढ़ से प्रयागराज और न्यू तिनसुकिया से नागपुर ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। सीपीआरओ राजेश कुमार के मुताबिक 044520 4451 इस्लामपुर नई दिल्ली इस्लामपुर पूजा स्पेशल 13, 15 और 16 नवंबर को रात 8 बजे नई दिल्ली से खुलेगी। 044521 इस्लामपुर नई दिल्ली पूजा स्पेशल इस्लामपुर आज से शुरू होने वाली है, जिसके तहत यह ट्रेन 14, 16 और 17 नवंबर को 3:30 बजे नई दिल्ली के लिए खोली जाएगी। सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2020 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए अब आवेदन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए पात्र उम्मीदवार सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2020 है। उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी 28 दिसंबर 2020 को या उससे पहले जमा करनी है। ध्यान रहे, स्कॉलरशिप के लिए केवल वही छात्राएं आवेदन कर सकती है जिन्होंने सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल में कक्षा 10वीं की परीक्षा को पास किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश के बाद उन्होंने अपना त्याग पत्र बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को सौंप दिया। बीते दिन राज्यपाल से मिलकर उन्होंने त्यागपत्र सौंप दिया है। हालांकि राज्यपाल फागू चौहान ने नई सरकार के गठन तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहने का निर्देश जारी किया है। आपको बता दें, बीते दिन कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे और उन्हें अपना त्यागपत्र सौंप दिया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर एनडीए के चारों घटक दल भारतीय जनता पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें 15 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे के लगभग बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है। बिहार के कामेश्वर चौपाल को मंत्रिमंडल में मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद अब नई सरकार का गठन होना है। इसके लिए बीते दिन एनडीए की बैठक का भी आयोजन करवाया गया था। वहीं खबरों की माने तो इस बार सरकार में भाजपा के नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इन सब में प्रमुख रूप से राम मंदिर निर्माण समिति के सदस्य कामेश्वर चौपाल का नाम सामने आ रहा है, जिन्हें मंत्रिमंडल में अहम पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको बता दें, कामेश्वर चौपाल को बीते दिन उनके पटना पहुंचते ही एयरपोर्ट पर बिहार का उपमुख्यमंत्री कैसा हो, कामेश्वर जैसा हो के नारे भी लगाए गए थे। निर्दलीय सुमित सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया समर्थन। एनडीए गठबंधन अब और ज्यादा मजबूत हो गई है। जहां एनडीए को चुनाव परिणाम में बहुमत हासिल हुआ था, वहीं अब निर्दलीय मैदान में उतरे सुमित सिंह ने एनडीए का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के वरिष्ठ नेता रहे और कभी नीतीश कैबिनेट के मंत्री रहे नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित सिंह ने इस बार निर्दलीय मैदान में उतरकर जीत हासिल की है। ज्ञात हो, जदयू से टिकट नहीं मिलने पर ही उन्होंने पार्टी का विरोध किया था, जिसके बाद अब उन्होंने नीतीश कुमार के समर्थन का ही ऐलान कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने नीतीश कुमार से बीते दिन मुलाकात भी की। सरकार गठन को लेकर 15 नवंबर को एनडीए की होगी संयुक्त बैठक। बिहार में अब नई सरकार के गठन की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। नीतीश आवास पर एनडीए नेताओं की अहम बैठक हुई। हालांकि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए बीते दिन हुई बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके बाद अब दिवाली के बाद यानी कि 15 नवंबर को संयुक्त बैठक होगी और उसी दिन सभी विषयों पर कोई भी फैसला लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार का निर्णय लेने की बात कही थी, जिसके बाद अब 15 नवंबर को भाजपा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। पीएम किसान सम्मान निधि की इस साल की आखिरी किश्त आएगी जल्द। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभकर्ताओं को अहम सूचना। पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त का इंतजार अब बस खत्म होने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष की तीसरी और योजना की शुरुआत से 7वीं किश्त 1 दिसंबर से आनी शुरू हो जाएगी। ज्ञात हो, मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपए किसानों को 3 किश्तों में देती है। हर साल पहली किश्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किश्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किश्त दिसंबर से मार्च तक आती है।
हरभजन सिंह ने इस खिलाड़ी को बताया भारत का एबी डिविलियर्स। भारत के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने यूं तो इस साल के आईपीएल से अपने निजी कारण का हवाला देते हुए नाम वापस ले लिया था, मगर अब हरभजन सिंह ने मुंबई टीम के लिए इस सीजन में बेहतरीन फॉर्म में नजर आए सूर्य कुमार यादव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सूर्य कुमार यादव ने खुद को बेहद शानदार तरीके से एक गेम चेंजर से प्राइमरी मैच विनर के तौर पर ट्रांसफॉर्म किया है। अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वो पहली गेंद में बॉल को हिट करते हैं, उनको रोकना काफी कठिन काम है क्योंकि उनके पास हर तरह के शॉट्स मौजूद है, वो भारत के एबी डिविलियर्स है। इंस्टाग्राम पर हुए बड़े अपडेट्स। इंस्टाग्राम ने अपने यूजर के लिए ऐप को और खास बना दिया है, जिसके तहत इंस्टाग्राम ने एक बार फिर से अपने होम स्क्रीन को रीडिजाइन किया है। ऐप में शॉपिंग और रील्स दो चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके बाद अब इंस्टा में रील्स बटन को सेंटर में डाल दिया गया है और नोटिफिकेशन बटन को शॉप बटन से बदल दिया गया है। इंस्टा ने हालांकि पहले ही एक्सप्लोर बटन को रील्स से बदल दिया था, लेकिन अब यह रील्स को ज्यादा महत्व दे रहा है। नए इंस्टाग्राम होम स्क्रीन में रील्स नीचे मेन्यू के सेंटर में है और इसके बगल में शॉप बटन है। रील्स में प्लस आइकॉन को बदल दिया गया है और जिससे अब आप इंस्टाग्राम पर फोटो और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 13 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,770 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,770 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,710 रुपए था, जिसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम हैं प्रमोद यादव, यूट्यूबर सुधीश राज, राइटर अरविंद बिहारी, अबू नवाज आलम, मोहम्मद वसीम आलम, पिकेंद्र कुमार गुप्ता, सोनू कुमार, अमित कुमार, कमल देव राव, अनुराग सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।